कुछ अरसा पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। लगभग लगभग 6 महीने हो गए हैं और कोई दिन ही शायद जाता होगा कि उनकी याद ना आती हो। उनकी याद में मैंने कुछ अशआर लिखे हैं, शायद वो उन तक पहुँचें, और मुझे उम्मीद है खुदा की ज़ात से कि वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। अर्ज़ किया है कि जब हुक्म को पाता था तो बात और थी, जब हुक्म को पाता था तो बात और थी, मिलने जब घर पर आता था तो बात और थी। शायद ही मैंने कभी उनके हुक्म को टाला हो। जब भी उन्होंने मुझे कोई भी हुक्म दिया तो मैं बग़ैर सोचे समझे बजा लाया। मैंने ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले उनकी एक आवाज़ पर किए हैं। तो अब अफसोस यही रहता है कि एक अरसा हो गया तुमसे बातें किए हुए, एक अरसा हो गया तुमसे बातें किए हुए, तुमसे बातें बनाता था तो बात और थी, तुमसे बातें बनाता था तो बात और थी। ओ तूफान से लड़ने का हौसला भर दिया तुमने, तूफान से लड़ने का हौसला भर दिया तुमने, तुम्हें गम सुनाता था तो बात और थी, तुम्हें गम सुनाता था तो बात और थी। और मेरा मानना यह है कि उनकी रूहानी सरपरस्ती आज भी मेरे सर पर कायम और दायम है। मैं उनको ख्वाबों में देखता हूँ कि वो मेरी हौसला अफज़ाई आज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि ये रूहानी सरपरस्ती अच्छी नहीं गनी, ये रूहानी सरपरस्ती अच्छी नहीं गनी, तुमसे मिलता मिलाता था तो बात और थी, तुमसे मिलता मिलाता था तो बात और थी, मिलने जब घर पर आता था तो बात और थी।